भोरंज उपमंडल के तहत राम दत्ता मेमोरियल शारीरिक शिक्षा कॉलेज भरेड़ी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ सरकाघाट व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं समाज सेवी मनोज कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करके अच्छे खिलाड़ी की पहचान बनती है और राष्ट्र स्तर प्रतियोगिता के लिए उसका चयन भी किया जाता है। भोरंज उपमंडल के रामदित्ता मेमोरियल शारीरिक शिक्षा कॉलेज बरेड़ी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ सरकाघाट व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं समाज सेवी मनोज कुमार ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करके एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान बनाए और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपना चयन करवाए। उन्होंने खिलाड़ियों के आह्वान किया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खिलाड़ी प्रतियोगिता की भावना से खेलें, ऐसी भावना मैच में अवश्य विजय दिलाती है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कॉर्फबॉल संघ के महासचिव बीआर सुमन ने कहा कि प्रतियोगिता में 8 जिलों व 5 मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स क्लबों के 250 खिलाड़ी व अधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉर्फबॉल खेल हिमाचल प्रदेश में गाँव से शहरों की ओर बढ़ने लगा है, इससे खिलाड़ियों में कॉर्फबॉल खेल के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग का पहला मैच हमीरपुर जिला और ऊना जिला के खिलाड़ियों के बीच खेला गया, जिसमें हमीरपुर ने ऊना को 10 के मुकाबले 5 अंक से पराजित कर दिया। राज्य स्तरीय कॉर्फबॉल प्रतियोगिता का आयोजन ब्रेड़ी के इस मैदान में मेयर रामदित्ता फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के प्रांगण में होने जा रहा है, जिसमें कि पूरी हिमाचल प्रदेश की 8 जिलों की और 5 मान्यता, जिसमें कि 300 के करीब खिलाड़ी यहां उपस्थित हैं, जिसमें सब जूनियर जूनियर और सीनियर की टीमें जो हैं भाग ले रही हैं। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी जो है अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छे मैच जो है हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से इस खेल को शहरी क्षेत्र की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ के चयनित खिलाड़ी जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो दिल्ली में होगी, उस चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर सरकाघाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगाया जाएगा। बाकी सरकार से अनुरोध है कि कॉर्फबॉल खेल को जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और इसके कोच जो हैं वो भी नियुक्त किए।